गुल्लक को इमोशन क्यों बोलते हैं, इसके पार्ट नंबर 4 ने पूरी तरीके से जस्टिफाई किया। मुकाबले का फाइनल मैच लग गया है, मम्मी पापा की पेरेंटिंग बनाम अमन मिश्रा की एडल्टिंग। नमस्ते भी नहीं बोला हम। तो देखो यार, फाइनली 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 गुल्लक का जो पार्ट नंबर 4 है वो हमारे सामने निकल के आ चुका है, और उसके सारे एपिसोड्स को मैंने कम्प्लीटली वॉच कर लिया है। अब इसका पार्ट नंबर 4 किस तरीके से बन के निकला आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। बट बिफोर दैट, हाय एवरीवन, वेलकम टू सिनेमा हाइलाइट 33। तो आप लोगों का फिर से एक और नए रिव्यू एपिसोड में स्वागत है। विद दैट बीइंग सेड, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं और देखो, बात करते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की कहानियां, नहीं जो बड़े प्यारे से किस्से हैं। एक बार फिर से आपको मिश्रा परिवार के घर में लेके जाते हैं, जहाँ पे एक तरफ अनु मिश्रा जो है वो काफी मैच्योर हो गए हैं, कमाने लगे हैं, दूसरी तरफ जो है अमन मिश्रा जो अभी टीनेज में है और जो ग्रो कर रहे हैं, उनमें वो उल्टी हरकतें भी करने वाले हैं। एक तरफ जो शांति मिश्रा, जिनके अपने खुद के जो है घरेलू मुद्दे चल रहे हैं, और सबसे बड़े जो वहाँ के मुखी हैं यानी कि संतोष मिश्रा, जिनकी मूंछों के अंदर जो ईमानदारी की ईगो आपको देखने को मिलती है। इन सबके बीच में किस तरीके से किससे आपको देखने को मिलते हैं, इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आपको इसके पार्ट नंबर 4 को चेक करना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको कमाल के रिलेटेबल मोमेंट्स देखने को मिलने वाले हैं, और एक आम आदमी के परिवार में किस तरीके से डे टू डे लाइफ में चीजें घटती हैं, बहुत कमाल तरीके से, बहुत प्योर तरीके से आपको इस शो के अंदर देखने को मिलता है, और जो हम लोग इसके पार्ट नंबर 4 से उम्मीद कर रहे थे पूरी तरीके से इसके पार्ट नंबर 4 ने डिलीवर किया। और इसमें आपको टोटल जो है 5 एपिसोड देखने को मिलते हैं, जिनका रन टाइम जो है 38 मिनट से लेके 45 मिनट के बीच में रखा गया है। और अगर मेरे को आपके सामने इस शो का रिव्यू सिर्फ एक लाइन में करना हो तो मैं इतना ही बोलूंगा, सेटिस्फैक्शन, प्योर सेटिस्फैक्शन। मतलब अगर आप लोगों ने इसके पहले के 3 पार्ट देखे हैं, आप लोग जानते हो कितना प्यारा ये शो है, कितना कमाल का ये शो है, तो आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है, जाके इसके पार्ट नंबर 4 को स्टार्ट करो, आपको मजा आने वाला है। तो एक एक करके जल्दी से बात करते हैं इस शो के हाईलाइट के बारे में। पहला होगा देखो, इसके सभी एक्टर का काम, आप किसी भी एक्टर की बात करो, चाहे जमील खान सर हो, चाहे गीतांजलि कुलकर्णी हो, चाहे हर्ष हो, चाहे वैभव हो, चाहे अब बात करो सुनीता रजवार जी के बारे में, सब लोगों ने अपने काम को जबरदस्त तरीके से प्ले किया है। तो एक्टिंग वाइज ये शो आपको डिसअपॉइंट कर ही नहीं सकता। और यहाँ पे मैं बिट्टू की मम्मी के बारे में एक बात बोलना चाहूंगा, भाई साहब बिलीव करो, जितना मर्जी आप इनसे एक वो थोड़ी सी प्यारी सी हेट कर लो, लेकिन पार्ट नंबर 4 के लास्ट एपिसोड में ये आपका दिल डेफिनेटली जीत जाएंगी। और हम लोग इस तरीके की यही जो कैरेक्टर्स हैं अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं, आप कितना भी लड़ लो, सबसे पहले काम जो है आपका पड़ोसी ही आने वाला है, आपके रिश्तेदार भी बाद में आएंगे, उस बात को बड़े कमाल तरीके से आपके सामने यहाँ पे रखा गया है। इसके बाद जो इस शो का अगला पॉजिटिव पार्ट होगा, देखो ये हम लोग जानते हैं कितने कमाल के रिलेटेबल किस्से जो है ये हमारे सामने रखता है, वो पार्ट नंबर 4 जो है एक बार फिर से पूरी तरीके से कामयाब हुआ है, इतने कमाल के मोमेंट्स इन्होंने हमको दिए, मजा आया उसको देख के। और इसके साथ में जो टीवीएफ के शोज होते हैं उनके अंदर बहुत एक अहम भूमिका निभाते हैं, जो इसका बैकग्राउंड स्कोर होता है, जिस तरीके से यार वो इमोशनल, जिस तरीके से रिलेटेबल आपको बीजीएम सुनने को मिलता है, इमोशंस हो चाहे मोमेंट्स हो, कमाल तरीके से हिट करते हैं। देखो पर्सनली मेरे को इसके अंदर कोई इतनी बड़ी कमी नहीं लगी है, लेकिन अगर मुझे फिर भी इसके अंदर एक आधी कमी निकालनी हो तो मैं आप लोगों से बस इतना बोल सकता हूँ कि जो इसके 5 एपिसोड्स हैं आप उसको रैंक कर सकते हो कि हाँ ये मुझे अच्छा लगा, ये मुझे सही नहीं लगा। सिर्फ एक 3rd एपिसोड मुझे ऐसा लगा जो मुझे थोड़ा ठीक ठाक लगा, जिसमें स्टोरी जो है कहाँ की तरफ जा रही है आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन ओवरऑल जो है कमाल का शो है, कमाल का सीक्वल है। और जिस तरीके से एंडिंग में हिंट किया गया है, शायद ये इसका लास्ट सीजन था, और अंदर एक वो जो नीयत है, जो एक लाइक चीज देखना चाह रही है, वो भरी नहीं है अभी। लेकिन जब कहते हैं ना, जब कोई चीज दिल के बहुत ज्यादा पास हो तो उसके एंड होने पे दुख नहीं होना चाहिए, जो आपने जर्नी जी है उसको एंजॉय करते हुए जो आपको सुकून मिला है उसके मजे लेने चाहिए। तो ये शो चाहे इसका कोई भी सीजन हो, हर एक सीजन में इस शो ने कमाल तरीके से डिलीवर किया है, और पार्ट नंबर 4 कोई डिफरेंट नहीं है, मजा आने वाला, जाके इसको देखो, पूरी तरीके से आपका टाइम डिजर्व करता है। तो मैं पर्सनली इस शो को रेट करूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार। तो ये थे मेरे थॉट्स और मेरा रिव्यू अबाउट द शो गुल्लक का पार्ट नंबर 4। अगर आप लोगों ने इसको चेक कर लिया है, आपके इसके ऊपर क्या थॉट्स है नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलना। बाकी अगर आप लोगों ने इस वीडियो कहां तक देखा और आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो थोड़ा लाइक कर दो, और ऐसी और वीडियोस को देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं ऐसी वीडियोस को लाता रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं आप लोगों से मिलूंगा नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू एंड टेक केयर।
एंड कीप वॉचिंग सिनेमा अलाइव 33।